बच्चे के मार रहे हाथे मार, किसका की हाथे मार। ये गांव का एमएलए आए जाना, आए जाना है तबको मट्टी उठाना, हमारे बच्चे का जनाजा उठाना। यहाँ का एमएलए आपको मेरे बच्चे की इंसाफ दिलाना, आपको इंसाफ दिलाना। मैं माजी दाब देख रहे हैं आपकी आवाज। बेंगलुरु शहर के अंदर इसी इतवार को, जो इतवार गई उस इतवार को, हेगड़े नगर से एक लड़का गायब होता है जिसका नाम फारूक है। उसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। अचानक कुछ लोग यहाँ पर, तीन चार लोग आते हैं ऑटो में, उसको लेकर जाते हैं दोपहर के वक्त, उसको यहाँ से लेकर जाते हैं वो लोग। उसके बाद शाम तक घर वाले ढूंढते रहते हैं लेकिन फारूक नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन के पास जाने पर वो बोलते हैं 48 आवर्स होने के बाद उसका कंप्लेंट दर्ज करेंगे। जब इतवार हो गया, पीर के दिन जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उस वक्त वहाँ से पता चलता है कि फारूक का कत्ल हो चुका है। उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। किस वजह से मारा गया वो अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि फारूक जो है 8 महीने से किसी दूसरे शहर में, आंध्रा के पास कहीं शहर में रहता था। यहाँ बस आकर 8 दिन हुआ था। घर वालों का कहना है ना तो उसके किसी के साथ दुश्मनी है, ना कोई उसका शौक़ है बीड़ी सिगरेट, कोई उसका उतना शौक़ नहीं था। वो बाहर भी नहीं जाता था। जो लोग आए उसको लेकर गए, क्यों वो लोग ऐसा किए? लोगों की मांग है कि एमएलए, यहाँ के जो मुकामी एमएलए हैं कृष्ण भैरवगढ़ा, वो यहाँ पर आएँ और इस चीज़ को तहकीक करें कि ये क्या मामला है, इस वजह से क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो ये घर वाले भी जानना चाहते हैं कि एमएलए यहाँ पर आएँ। जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ से, जो फारूक की जो जनाजा है वो यहाँ से नहीं उठाएंगे, इन लोगों की डिमांड है। तो चलिए इन लोगों के घर वालों से बात करते हैं, इनकी माँ से बात करते हैं, उनके वालिद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों ये जनाजा यहाँ से उठाना नहीं चाहते, क्या एमएलए से मांग कर रहे हैं? एमएलए यहाँ पर ज़रूर आना है, इन लोगों की मांग है। तो चलिए इन घर वालों से जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ का एमएलए आपको मेरे बच्चे की इंसाफ दिलाना, आपको इंसाफ दिलाना। दूसरा बच्चा किसी भी होना नहीं ना, बहुत गेमा खेलता नहीं मेरे बच्चे के पीछे, मेरे बच्चे के पीछे बहुत गेमा खेलता नहीं हुआ। मेरा 8 रोज में मेरे बच्चे को ऐसा कर निवाला बना ली ना मेरे बच्चे को, तो सबके पीछे क्या की हाथे मार, मेरे बच्चे को मार रहे हाथे मार, किसका की हाथे मार। बुलाक पे जाओ एमएलए को, पुलिस वाले को, गुंडिया को, सब कैसा छोड़ता है उन्हें, उन्हें तरबियत करना था जो है गाँव में। जब तक आता नहीं उन्हें, हमें एमएलए कृष्णा भैरवगढ़ा जब तक नहीं आता, नहीं करते जब तक बच्चे का इंसाफ के वास्ते आना, मेरे बच्चे का उन्हें इंसाफ के वास्ते तो भी आना ना, इस तलक नहीं करते, हटी नहीं करते। 3 रोज होगा, आई तरह रोज इंतकाल हुआ सो, कौन तो दे बड़ा आदमी आगो, ऐसा होगा ना बच्चे को कको बोल को देखे ने। यहाँ का एमएलए, ये एमएलए आना, इंसाफ करे लोगों भी मट्टी करती नहीं। ये गांव का क्या है कि कोई वोटन पूछने आता, वहाँ को क्या चलता है को वोटन डाल को जीती ना, क्या तो कर को इंसाफ करना, दूसरे बच्चों को नहीं होना। ये गांव का एमएलए आए जाना, आए जाना है तबको मट्टी उठाना, हमारे बच्चे का जनाजा उठाना, इंसाफ करना है एरिया को। कौन कौन नहीं गुंडे को सभी पकड़ना, मेरा बच्चा क्या भी तकसीर करा नहीं, हमारा बहुत नवाजा अच्छे से अच्छा था, फिर करो साको आपको मर गा ना मा, 8 रोज कुछ मर गा बा, एमएलए होना बा, एमएलए होना बात का ना ना, एमएलए आपको बात करे लोग उठा देने, दूसरे बच्चा को होना नहीं आपको, कई कब पूछे ने क्या कर रही है सेफ्टी, बच्चे को गमा लेंगे बेहोश हो जाती है ना।